केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर थोड़े दिन पहले घमंड और राजनीतिक व्यवहार का आरोप लगाकर भाजपा उन्हें पानी पी पी कर कोस रही थी, लेकिन अब सिंधिया अचानक से भाजपा नेताओं के लिए एक लोकप्रिय और जनाधार वाले नेता बन गए हैं। सिंधिया के खिलाफ आग उगलने वाले प्रभात झा और जय भान सिंह पवैया जैसे नेता भी इस सवाल पर कि क्या सिंधिया भाजपा ज्वाइन करेंगे, अब सोच समझकर जवाब दे रहे हैं। और अब पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक विश्वास सारंग ने तो सिंधिया की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर नाराज चल रहे हैं एक और सिंधिया समर्थक अपने महाराज को अध्यक्ष बनाने की मांग को लेकर पूरी तरह मैदान में कूद चुके हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अब खुलकर प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी में आकर पार्टी आलाकमान को अल्टीमेटम तक दे दिया है। दूसरी ओर सिंधिया के भाजपा में जाने की अटकने भी दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। सिंधिया के भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में होने की खबरें पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले का समर्थन करने के बाद शुरू हुआ अफवाहों और अटकनों का दौर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे वक्त पर प्रदेश में भाजपा नेता लगातार सिंधिया की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब ऐसे में सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के कयासों ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। दरअसल हाल ही में पत्रकारों ने प्रदेश के बड़े भाजपा नेता और विधायक विश्वास सारंग से पूछा कि मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री इमरती देवी सिंधिया को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपे जाने से खुश नहीं है, और इमरती देवी का कहना है कि सिंधिया को मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी मिले। इस पर सारंग बोले कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी सिंधिया की बेकदरी कर रही है। सारंग ने यह भी आरोप लगाया कि सिंधिया को जनता के बीच पैठ वाला जुझारू नेता बताते हुए कहा कि राहुल गांधी एंड कंपनी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। सारंग बोले कि सिंधिया कद में जनता के बीच पैठ में हर स्तर पर राहुल गांधी से आगे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को डर लगता है कि कहीं सिंधिया उन्हें चैलेंज ना कर दें। सिंधिया जुझारू और उमंग से भरे हुए नेता हैं, इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश से हटाकर उत्तर प्रदेश भेजा गया और अब महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। दरअसल पिछले काफी लंबे वक्त से सिंधिया की बीजेपी में जाने की अटकने तेज हैं, और ऐसे में भाजपा नेताओं के उनके पक्ष में दिए जा रहे बयान इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि उच्च स्तर पर सिंधिया को भाजपा ज्वाइन कराने को लेकर कहीं ना कहीं खिचड़ी पक तो जरूर रही है। SPN 9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।